हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज के इस वीडियो में हम लोग यह जानने की कोशिश करेंगे कि केमिकली ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड्स में डिफरेंस क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले ऑर्गेनिक एसिड से। तो ऑर्गेनिक एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग एसिडिक प्रॉपर्टीज़। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनिक एसिड ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नाउ इनऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं? तो इनऑर्गेनिक एसिड्स आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग एसिडिक प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब ये होगा कि इनऑर्गेनिक एसिड इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर भी एसिडिक प्रॉपर्टी होती हैं। नाउ सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ऑर्गेनिक एसिड्स एसेंशियली हैव कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम इन देयर स्ट्रक्चर्स। इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक एसिड जितने भी होते हैं उनके अंदर आपको जनरली या तो कार्बन और हाइड्रोजन एटम, ये दोनों आपको उसमें स्ट्रक्चर में मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें एसिडिक एसिड की, तो CH3COOH एसिडिक एसिड में कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। इसी तरीके से बात करें फॉर्मिक एसिड की HCOOH, इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन है। तो जनरली ऑर्गेनिक एसिड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के एटम आपको मिलते हैं। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक एसिड की, तो इनऑर्गेनिक एसिड मे और मे नॉट हैव कार्बन एटम इन इट्स स्ट्रक्चर। इसका मतलब हुआ कि इनऑर्गेनिक एसिड के अंदर कार्बन एटम हो भी सकता है और नहीं भी। इसका बेस्ट एग्जांपल है हम बात करें हाइड्रोजन साइनाइड की HCN, इसके अंदर कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है, बट स्टिल ये इनऑर्गेनिक एसिड में काउंट किया जाता है। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ऑर्गेनिक एसिड्स आर जनरली ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जनरली इनको हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? प्लांट और एनिमल से। इसमें हम एग्जांपल देखें तो सिट्रिक एसिड, ये जो एसिड है ये हमें कहाँ से मिलता है? तो सिट्रिक एसिड हमें मिलता है लेमन एंड ऑरेंजेस, जो कि साइट्रस फ्रूट के अंदर काउंट किए जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें टार्टारिक एसिड की, तो टार्टारिक एसिड आपको कहाँ से मिलता है? तो टार्टारिक एसिड आपको मिलता है टैमारिन एंड ग्रेप्स से। जैसे एक और एसिड की बात करें लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड आपको मिलता है मिल्क से। तो इस तरीके से हमें ऑर्गेनिक एसिड प्लांट और एनिमल दोनों से मिलते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड कहाँ से मिलते हैं? तो ये हमें प्रोड्यूस करना पड़ते हैं। तो प्रोड्यूस्ड सिंथेटिकली इन लेबोरेटरीज फ्रॉम मिनरल्स, फॉर एग्जाम्पल HCl, HNO3 एंड H2SO4। ये सारे एसिड हमें मिनरल से मिलते हैं, इसीलिए इनको कभी कभी मिनरल एसिड भी कहा जाता है, या इनऑर्गेनिक एसिड को हम मिनरल एसिड के नाम से भी जानते हैं। नाउ फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड, दैट्स व्हाई दे आर कंसिडर्ड एज लेस कोरोसिव। सो ऑलमोस्ट ये जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं ये सारे क्या होते हैं? बहुत वीक होते हैं, इसलिए ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते हमारे बॉडी के लिए। इसी तरह अगर हम इनऑर्गेनिक एसिड की बात करें तो मोस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड, दैट्स व्हाई दे आर हाईली कोरोसिव इन नेचर। मीन्स जितने भी ये इनऑर्गेनिक एसिड हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3, H2SO4, परक्लोरिक एसिड, ये सारे के सारे क्या हैं? बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, इसीलिए हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं। सो हाईली कोरोसिव। नाउ इट इज़ वेरी क्लियर दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एसिड एंड इनऑर्गेनिक एसिड केमिकली। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।